हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक वीटेट कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में एक अलग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप निफ्टी में बाय जोन, सेल जोन और नो ट्रेडिंग जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों जोन को सही टाइम पर आइडेंटिफाई कर लिए तो आप अपने ट्रेड को आसानी से प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। हमने बाइंग जोन को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम वहाँ पे बाई कर सकते हैं, और हमने सेलिंग जोन को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम सेल कर सकते हैं, और नो ट्रेडिंग जोन को आइडेंटिफाई कर लिया दैट मीन्स जो हमें ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। और मैक्सिमम लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, सेल जोन में बाई कर देते हैं, नो ट्रेडिंग जोन में भी कुछ ट्रेड ले लेते हैं, जिसके कारण से वो आसानी से ट्रैप में फंस जाते हैं। तो हमें यही सारा काम नहीं करना है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं। यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए, और ये जो चार्ट है ये आपका निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट में समझते हैं, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट में भी आएंगे। वहां पे भी आप सेम कॉन्सेप्ट के जरिए इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, और आप यहाँ पे बाइंग जोन यानी जहां पे हमें बाई करने की जरूरत है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेलिंग जोन जहां पे सेल करने की जरूरत है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जहां पे हमें ट्रेड नहीं लेना क्योंकि नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो ट्रेडिंग टेक्निक, यानी कब हमें ट्रेड नहीं करना ये भी हमारा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होता है, ट्रेडिंग टेक्निक होता है, जिसके जरिए हम अपने ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को इंक्रीज करते हैं। तो इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, जो हमारा बाइंग जोन होता और सेलिंग जोन होता वो हम करते कहाँ पे है, जहाँ पे हमें डिमांड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अब जहां पे डिमांड होगा वहीं पे अगर हम बाय साइड की तरफ एंट्री लेंगे तो हमारा प्रॉफिट बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें बाइंग जोन के जगह पे डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने की जरूरत होगी, और सेलिंग जोन के जगह पे हमें क्या आइडेंटिफाई करना होगा, सप्लाई, यानी जहां पे हमें सप्लाई आता हुआ दिखेगा वहां पे क्या होगा, प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ जाएगा और हमें वहां पे सेल साइड की तरफ जाके प्रॉफिट बनाना है, यानी सप्लाई जोन के आसपास हमें सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करना है। और डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बीच में अगर आपका प्राइस मूव करता हुआ दिख रहा है तो वही हमारा क्या बन जाता है, नो ट्रेडिंग जोन, यानी वहां पे हमें कोई ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट नहीं करना। अब सप्लाई जोन और डिमांड जोन का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है वो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ताकि आप ट्रैप में नहीं फंस सकते, क्योंकि आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो मार्केट जब कल ओपन होगा तो आपको नया चीज देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ यूनिकनेस आपको जरूर देखने को मिलेगा जहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट करके देगा, और वहीं पे मैक्सिमम लोग फंसते हैं। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है स्ट्रेटजी सीखने के साथ साथ, और वही यहाँ पे हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आ जाता है, दो जोन आता है, एक होता है आपका सप्लाई जोन और दूसरा होता है डिमांड जोन। मैंने बताया कि कहां पे हमें क्या करने की जरूरत है। अब देखिए, अब एक हमारा आता है कंटिन्यूएशन ऑफ पैटर्न, प्राइस आपका ऊपर से नीचे साइड की तरफ आया, थोड़ा सा रेंज बाउंड मूव दिखाया, फिर आपका नीचे साइड की तरफ आ गया, मतलब ये जो है ये हमारा सप्लाई जोन बनता हुआ दिख गया। अब यहां पे डिमांड जोन हमारा कैसे बनेगा, प्राइस आपका नीचे से ऊपर जा रहा, फिर एक रेंज बाउंड मूव दिखाया, फिर प्राइस आपका ऊपर आ गया, यानी ये हमारा बन गया डिमांड जोन। अब उसके बाद प्राइस आपका नीचे से ऊपर जा रहा, फिर यहाँ पे रेंज बाउंड मूव दिखाया, फिर आपका नीचे साइड की तरफ आ गया, मतलब ये भी हमारा क्या बना, सप्लाई जोन ही बनता हुआ दिखा। इस तरीके से दो तरीके से ही सप्लाई जोन बनता हुआ दिख सकता है, और हमें यही जोन को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, इन दोनों जोन को। वहीं अगर हम डिमांड जोन की बात कर लें तो प्राइस आपका ऊपर से नीचे आता हुआ दिखेगा, रेंज बाउंड मूव दिखेगा, फिर यहाँ से अपसाइड मूव चला जाएगा, यानी ये भी हमारा क्या बनेगा, डिमांड जोन बनता हुआ दिखेगा। तो यही दो जो डिमांड जोन का फॉर्मेशन होता है, बस यही आइडेंटिफाई करने की जरूरत है चार्ट पे, और सप्लाई जोन के लिए हमें ये दो जोन आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे और इस वाले पोर्शन पे बाय साइड की तरफ जाएंगे, और इसके अलावा जो भी कुछ फॉर्मेशन होगा वहां पे हमें कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। चलिए अब इसको एग्जांपल के जरिए और क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने चार्ट पे कुछ ड्रॉइंग्स किया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाले पोर्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं जिससे आपको
दिखने में आसानी हो। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन के ऊपर बात करने जा रहे हैं, यानी हम मार्केट के इतने पार्ट को मान के चल रहे हैं कि ये हो गया और आगे का हमें नहीं पता है कि क्या कुछ मूव हमें देखने को मिलेगा, तो हम इसके बेसिस पे आगे के मूव को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्राइस आपका नीचे से ऊपर गया और इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल गया इस वाले पोर्शन पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कुछ फॉर्मेशन किया, यानी यहाँ पे हमें वैसे प्राइस पे फोकस करना है, सबसे पहला स्टेप है, जहां पे प्राइस आपको रुकता हुआ दिखे या फिर वहां से प्राइस आपका ऊपर या नीचे जाता हुआ दिखे। फॉर एग्जांपल प्राइस आपका यहाँ पे आया, यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट किया, मतलब यहाँ पे हमारा एक सप्लाई जोन बनता हुआ दिखा है। अब यहाँ पे सप्लाई जोन का क्रिएशन ही हुआ है तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेडिंग पोजिशन इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है। दोबारा अगर सप्लाई जोन के करीब आता है और यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं, सप्लाई आता है तो हम सेल साइड की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ से आपका प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट किया है, फिर यहाँ पे क्या हमारा बना, एक सप्लाई जोन का फॉर्मेशन यहाँ पे भी बनता हुआ दिखा। फिर यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहली बार सप्लाई जोन का क्रिएशन यहाँ पे हुआ है। फिर प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आया और ये जो लेवल है इसको हम बोल सकते हैं डिमांड जोन, इसको ब्रेक करते हुए प्राइस नीचे आ गया और फिर से यहां से प्राइस आपका ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकला है, दैट मीन्स तो क्या हुआ, यहां पे वापस से डिमांड आता हुआ दिखा है। तो अब हमें यहां पे क्या करना, डिमांड जोन के आसपास ऑलरेडी बताया था आपको बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजिशन इनिशिएट करना है, तो यहां पर आप आसानी से बाय साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं और ये जो लोएस्ट पॉइंट होगा हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा और जहां पे हमारा सप्लाई जोन का फॉर्मेशन हुआ था ये हमारा टारगेट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। तो हमें देखना है कि रिस्क रिवॉर्ड अगर हमारे फेवर में है, यहां पे आता हुआ दिख रहा है, तो यहां पे हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। अब इन सब के बावजूद भी हमें एक फाइनल चेक करना है, हमारा रिस्क कितना है और हमें रिवॉर्ड कितना मिलता हुआ दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पे जैसे इस रेड कैंडल के ऊपर निकला, बाय साइड की तरफ एंट्री लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा डिमांड जोन बना था उसको भी रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है, लोएस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। फिर इस टारगेट प्राइस के लिए जाएंगे, इस टारगेट को जैसे हिट किया यहाँ पे हम एग्जिट होके मार्केट से निकल जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सप्लाई जोन के करीब प्राइस आया है, अब क्या हो रहा, प्राइस आपका नीचे से सप्लाई जोन के करीब आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे दो काम हो सकता है, पैटर्न को कंटिन्यू करेगा या नहीं तो रिवर्सल दिखा सकता। अब हम दोनों साइड के मूव के लिए तैयार रहेंगे, हम किसी एक प्रीडिक्टेड मूव के लिए नहीं जाएंगे। अगर आप किसी एक प्रीडिक्टेड मूव के लिए जाओगे तो वहीं पे आप ट्रैप में फंस सकते हो। हमें दोनों साइड के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है और हमें देखना है एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। अब यहाँ पे देखिए प्राइस आपका थोड़ा सा नीचे आना स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए सब जगह अलग अलग पैटर्न बनेगा, इसलिए मैंने आपको बताया कि मार्केट आपको हमेशा न्यू चैलेंजेस देता है। यहाँ पे मार्केट ने क्या क्रिएट किया, इसके बाद सीधे मार्केट आपका यहाँ पे गया, यानी यहाँ पे हमारा एक गैप का फॉर्मेशन हुआ है। अगर हमें सेल साइड की तरफ जाना है, सप्लाई आना है, तो इसके नीचे सप्लाई आना जरूरी है, यानी इसके नीचे सेलर्स का एक्टिव होना जरूरी है, तभी हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाएंगे, जो कि यहाँ पे हमें होता हुआ नहीं दिखा है। फाइनली प्राइस आपका ऊपर हुआ और ये जो हमारा सप्लाई जोन है इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया। अब जैसे ही सप्लाई जोन ब्रेक हुआ, ये सप्लाई जोन हमारा खत्म नहीं हो गया, ये सप्लाई जोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सप्लाई जोन हमारा डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी प्राइस जैसे इसके ऊपर निकला, सप्लाई जोन टर्न्स इनटू डिमांड जोन, तब ऐसे अगर डिमांड जोन ब्रेक होता है तो हमारा सप्लाई जोन का फॉर्मेशन कर देता है। तो अब यहां पे क्या हुआ, जैसे ही क्या किया, सप्लाई जोन डिमांड में कन्वर्ट हुआ, हम यहां पे भी चाहे तो बाई साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं और ये जो लोएस्ट पॉइंट होगा हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। और इससे पहले अब हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने एक सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई किया था, अब इस सप्लाई जोन हमारे लिए कुछ क्रूशियल रोल प्ले करेगा, अब ये हमारे लिए पिक्चर में एंट्री करता हुआ दिखा है। अब यहाँ पे जो हम एंट्री करेंगे हमारे लिए टारगेट प्राइस कौन होगा, जो अगला सप्लाई जोन है ये हमारे लिए टारगेट प्राइस होगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं लेकिन चांसेस कम है, हम इस मूव के लिए डेफिनेटली जाएंगे। और यहाँ पे गया है और यहाँ पे आपका बियरिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन किया था, अगर आप इससे पहले एग्जिट किए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली एग्जिट करने की जरूरत है। अब देखिए अब मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पे आपका बाइंग जोन हो गया और कहाँ पे आपका सेलिंग जोन बना,
यानी जहां पे हमारा सप्लाई जोन बन रहा है वो हमारा सेलिंग जोन बन जाएगा, और जहां पे हमारा डिमांड जोन बन रहा है बाइंग जोन बन जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बाई साइड की तरफ एंट्री लिए, अगर आप लेट हो जाते हैं, आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं इस सारे कुछ को, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, नो ट्रेडिंग जोन, यानी यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे तो सिंपली आप ट्रैप में फंस सकते हैं। तो सप्लाई जोन और डिमांड जोन के पास ही हमें ट्रेड लेने की जरूरत है। तो ऐसे ही आपको नो ट्रेडिंग जोन आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे भी हमें ट्रेड लेना है इसी के आसपास या नहीं तो इसके आसपास, इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं लेना है। और यहाँ पे हम इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, हम जब ट्रेडिंग पर्पस के लिए आएंगे तो हम डिफरेंट टाइम फ्रेम में भी एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हमें समझने की जरूरत है। अब देखिए वापस से प्राइस आपका नीचे से ऊपर गया, फिर से इस सप्लाई जोन के करीब आता हुआ दिखा है, तो फिर से प्राइस जैसे नीचे आया हम सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा, पहला टारगेट प्राइस इसका लोएस्ट पॉइंट या नहीं तो जो हमारा डिमांड जोन है उसके आसपास रख सकते हैं। फिर हमारा प्राइस डिमांड जोन के करीब आता हुआ दिखा तो हमें ट्रेड यहीं लेना है या फिर यहीं लेना है, हम यही दोनों ट्रेड पोजीशंस इनिशिएट करेंगे, इसके बीच में हम ट्रेड नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे जैसे ही प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ निकला हम बाई साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं, लोएस्ट पॉइंट एसएल के रूप में काम करेगा। प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आया, एसएल हिट नहीं किया, फिर से प्राइस आपका ऊपर गया, टारगेट को हिट किया। तो ऐसे ही हमें मल्टीपल टाइम्स ट्रेड लेने की जरूरत है, लेकिन आपको पेशेंसली वेट करना होगा कि आप यहीं पर एंट्री नहीं ले सकते ना, आप पहले ही एंट्री ले सकते हैं, आपको वेट करने की जरूरत है। चलिए यहाँ पे हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आते हैं, और यहाँ पे अब हम आ गए निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एग्जीक्यूशन करना है, जो कॉन्सेप्ट आपने समझा वही कॉन्सेप्ट को, बस आपको सप्लाई और डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना, सिंपल चीज है। आपको अगर सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना दो तरीके से हो सकता है, ऊपर से नीचे आ रहा ये या नहीं तो नीचे से ऊपर जा रहा सप्लाई जोन बना, तो ये दो तरीके सप्लाई जोन बनेगा। ऐसे ही दो तरीके से आपको डिमांड जोन भी बनता हुआ दिख सकता, बस हमें यही आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। जैसे ये दोनों ये चारों पैटर्न आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रेडिंग आसान हो जाएगा, रिलेटिवली प्रॉफिट बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन कितना भी आसान हो जाए मार्केट आपको प्रॉफिट घर ले जाने नहीं देगा, ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके लिए आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस सीखने की जरूरत है, और उसके लिए आपको अपना एक्सपर्टाइज यूज करने की जरूरत है। जितना टाइम आप मार्केट में बिताओगे उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगा। तो यहीं पे देखिए यहाँ पे हमारा क्या बना, एक सप्लाई जोन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ दिखा, पहली बार सप्लाई जोन का क्रिएशन किया है, तो यहाँ पे हम इनिशियल में सेल साइड की तरफ नहीं जाएंगे। दोबारा से सप्लाई जोन करीब आया तो यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे, इस लेवल के आसपास ये जो हाईएस्ट पॉइंट होगा स्टॉप लॉस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। फिर प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आता हुआ दिखा है, अब देखिए और प्राइस आपका यहां से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, कैंडल में टेल बनना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आप चाहो तो कैंडल के बिहेवियर को भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी तो आप चाहो तो आरएसआई का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी तो वॉल्यूम का भी इस्तेमाल कर सकते हो और ज्यादा एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज करने के लिए। तो जैसे ही प्राइस ऊपर जाने लग गया हम इस लेवल के आसपास अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे, हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलता हुआ डेफिनेटली दिख जाएगा। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर गैप डाउन लेके ये जो हमारा डिमांड जोन था उसको ब्रेक करके सप्लाई जोन बना दिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही प्राइस इसके नीचे अगर आता है तो हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये सप्लाई जोन का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फिर से प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ गया और वापस से इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो आप चाहो तो इस कैंडल के बाद यहाँ पे आप बाई साइड की तरफ आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो एसएल बनेगा इसका लोएस्ट पॉइंट, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो काफी बिग हो जा रहा है। यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं, लेवल्स की बात करें, हम पहले लेवल्स के ऊपर बात नहीं किए थे क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रेटजी सीख रहे हैं, लेवल्स आप खुद से भी फॉलो कर सकते हैं। 18,464 के आसपास हम यहाँ पे बाय साइड की तरफ एंट्री ले रहे हैं, और 18,349 यानी लगभग हमारा 100 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस बनता हुआ दिख रहा है, 120 से 150 पॉइंट के आसपास, जो कि बहुत ज्यादा है। तो इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेडिंग पोजिशन इनिशिएट नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम चाहे तो ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हैं अगर रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं आया तो। अब वापस से क्या, प्राइस आपका इस डिमांड जोन के करीब आया, डिमांड जोन को रिस्पेक्ट किया, इसके ऊपर निकला है, तो हम यहाँ पे बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे, लोएस्ट पॉइंट एसएल के रूप में काम करेगा, और पहला टारगेट जो आपका ये हाईएस्ट पॉइंट बना था यहीं पर आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एसएल थोड़ा सा छोटा लग रहा है और टारगेट रिस्पेक्टिवली हमें बिग लग रहा है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में, तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग पोजिशंस इनिशिएट कर सकते हैं। और इसके ऊपर निकला फिर अगला टारगेट प्राइस जो हमारा सप्लाई जोन बना था, यहाँ पे देख सकते हैं हर एक सप्लाई जोन और डिमांड जोन
पार्ट में आता, पिक्चर में आता, लेकिन कभी लेट से आता, कभी पहले आ जाता है। तो ये अब पिक्चर में आया, तो अभी हमारे लिए टारगेट प्राइस के रूप में काम किया। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए प्राइस आपका नीचे से ऊपर आया और फिर यहाँ पे मूव करना स्टार्ट किया और फिर यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये हमारा सप्लाई जोन का फॉर्मेशन ही कर रहा। तो जैसे नीचे जाना स्टार्ट किया, हम सेल साइड की तरफ जाएंगे और फिर इस टारगेट प्राइस के लिए हम जा सकते हैं। और देखिए इस टारगेट प्राइस को इसने ग्रेजुअली हिट किया है। अब यहाँ पे ये जो हमारा डिमांड जोन था, वापस से डिमांड जोन को ब्रेक करके नीचे आया। मतलब अब ये डिमांड जोन किसमें कन्वर्ट हो गया, डिमांड जोन कन्वर्ट हो गया हमारा सप्लाई जोन में। फिर यहाँ पे प्राइस आपका रुकता हुआ दिखा, देखिए यहाँ पे आया, प्राइस आपका रुका, फिर से नीचे साइड की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये हमारा सप्लाई जोन बनता हुआ दिख गया, सप्लाई जोन बना है। तो हम यहाँ पे क्रिएशन ही हुआ, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट नहीं करेंगे। फिर प्राइस आपका यहाँ से ऊपर साइड की तरफ लौटा है, सप्लाई जोन करीब आया, तो हम यहाँ पे अब सेल साइड की तरफ जा सकते हैं इस लेवल के आसपास, और जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा टारगेट के रूप में काम करेगा। अब देखिए यहाँ से प्राइस आपका वापस से लौटा था, ये हमारा एक डिमांड जोन का क्रिएशन किया। तो ऐसे ही आपको मल्टीपल डिमांड जोन और सप्लाई जोन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। अब प्राइस यहां से जो रिवर्सल लेना स्टार्ट किया है, यहां पे डिमांड जोन के आसपास बायर्स एक्टिव होते हुए दिखे, बाय साइड की तरफ जा सकते हैं और हम इस टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। प्राइस आपका ऊपर भी गया है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, रेड कैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया लाइव मार्केट में। तो हमने जैसे ही देखा कि रेड कैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया और मार्केट का सेंटिमेंट भी स्लाइटली निगेटिव साइड की तरफ है, तो हम सेफ्टी पर्पज के लिए क्या करेंगे, यहीं पे हम ट्रेड से एग्जिट हो लेंगे। तो ऐसे आप लाइव मार्केट में भी ट्रेडिंग डिसीजंस अपना ले सकते हैं। बस आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, मार्केट में कभी जल्दबाजी नहीं करना है, और ध्यान रखना है कि जो सप्लाई जोन डिमांड जोन बना है इस बीच में हमारा क्या होगा, नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पे हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करने की जरूरत है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या फिर कंफ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो हम आगे भी कंटिन्यूअसली बनाते रहे। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।